गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास, क्लास ट्वेल्थ, चैप्टर नंबर 19 उद्योग का अगला वीडियो आपके सामने है और ये आपका क्वेश्चन होगा निबंधात्मक। लो इस्पात उद्योग का आखिरी क्वेश्चन है ये, लो इस्पात उद्योग का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन ये है कि ये निबंधात्मक क्वेश्चन होगा। इसमें लगभग पूरी 10 कंपनियाँ हैं जो मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ। ये 10 कंपनियाँ या 10 क्षेत्रों में काम करने वाले हैं। तो आपका क्वेश्चन जो होगा, भारत में लो इस्पात उद्योगों का वितरण को समझाइए। तो लो इस्पात उद्योग के वितरण को समझाने के लिए 10 पॉइंट आपको याद करने होंगे और स्टार्टिंग के 4-5 तो आपको करने ही पड़ेंगे कम से कम। अब 10 बिंदु हैं, लिखने हैं 150 शब्द, बहुत ज़्यादा है लाइनें शब्द। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लो इस्पात उद्योगों का वितरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टिस्को के बारे में। इसका पूरा नाम बताइए टिस्को का, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना की थी जमशेद जी ने, किसने की थी? जमशेद जी ने। और जमशेद जी रतन टाटा, नाम सुना होगा आपने, जमशेद जी टाटा ग्रुप के मालिक थे ये और अभी भी हैं। जमशेद जी नहीं, टाटा ग्रुप। तो ये स्टील कंपनी की जो शुरुआत हुई थी, आपने पढ़ा है कि टाटा कंपनी की शुरुआत जमशेद जी ने की। और इसमें जो पूरे भारत में जो टोटल उत्पादन होता है उसका 20% उत्पादन लोहे का हमारे यहाँ से होता है। यानी कि क्वेश्चन ये बनेगा वेरी शॉर्ट कि भारत का पहला बड़ा कारखाना है जहाँ से 20% उत्पादन होता है, किसका? लोहे का। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या होगा यहाँ से, दूसरा क्वेश्चन मतलब आगे इसके बारे में है, टाटा लो इस्पात की जो स्थापना की गई थी मुंबई से कोलकाता तक जो रेलवे मार्ग था, मुंबई से कोलकाता तक का जो रेलवे मार्ग था उस पर की गई थी। मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग के बहुत निकट स्थित है ये। अब जितने भी ये कंपनियां हैं या जितने भी ये लो इस्पात उद्योग है, इनकी स्थापना के आधार पर आपको यहाँ बताना होगा। तो सबसे पहले कि ये स्टील कंपनी का जो उद्योग है ये टिस्को को जल कहाँ से प्राप्त होता है, जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो मैं ये इनको यहाँ ना समझा कर इधर समझा देता हूँ आपको, थोड़ा दूर पड़ रहा है मेरे लिए। तो यहाँ जल, कोयला, भाई कच्चा माल तो चाहिए ना, कच्चा माल कौन कौन सा चाहिए? लोह इस्पात, कच्चा लोहा। लोह इस्पात क्या है? कच्चा लोहा। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए कई जगह पर, जल शक्ति, जल शक्ति। अब हो सकता है वो कोयले से भी काम निकल जाए उनका। तो इस तरीके से ये चारों पॉइंट आपको सारी जगह, सभी जगह पर यूज करने हैं, सारी कंपनियों में यूज करने हैं। तो जल कहाँ से प्राप्त हो रहा है इसको? स्वर्ण रेखा से। कहाँ से प्राप्त हो रहा है? स्वर्ण रेखा, रिवर है, नदी है कोई, स्वर्ण रेखा, खार और कोई, ये तीन नदियां हैं जहाँ से इसको जल प्राप्त हो रहा है। किसको? टिस्को को। इसके बाद में लोहा कहाँ से प्राप्त हो रहा है? नोवा मंडी से। कहाँ से? नोवा मंडी से। नोवा मंडी के अलावा बादाम पहाड़ियों से, बादाम पहाड़ी, ये खाने वाले बादाम नहीं है, पहाड़ी का नाम है भैया। और इसके अलावा लोहा कहाँ से, लोहा का पता चलेगा, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, ये लो। अब कोयला कहाँ से प्राप्त हो रहा है? कोयला प्राप्त हो रहा है भैया इसको झरिया रानीगंज से, झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्र है भैया ये। और जल शक्ति, जल शक्ति की से जरूरत नहीं, कोयले से ही काम चल रहा है इसका। अगले पॉइंट में जल शक्ति भी काम आ सकती है हमारी। तो टिस्को आयरन स्टील कंपनी कहाँ है? झारखंड में, झारखंड में जमशेदपुर में, जमशेदपुर में। जल कहाँ से मिल रहा है? स्वर्ण रेखा, खार और कोई नदियों से। और कोयला कहाँ से मिल रहा है? कोयला मिल रहा है इसको झरिया और रानीगंज से। और लोह इस्पात मिल रहा है नवा मंडी और बादाम की पहाड़ियों से।
यह है 240 किलोमीटर दूर, 240 किलोमीटर दूर कोलकाता बंदरगाह है, जहां से मशीनों का आयात और इस्पात के निर्यात की सुविधा भी उपलब्ध है। यानी कि जो झारखंड, आपको मैप के अकॉर्डिंग समझाता हूँ मैं, ये जो मैप में क्या थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। कि मैप में अगर हम यहाँ देखते हैं तो झारखंड की स्थिति यहाँ पर है, और झारखंड से लेकर यहाँ तक के जो बीच की दूरी है वो 240 किलोमीटर की है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 240 किलोमीटर इस्पात को हम परिवहन कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सड़क मार्ग के द्वारा, और यहाँ से इस बंदरगाह से किसी भी देश में आयात या निर्यात करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि वैसे निर्यात ही किया जाएगा, बेचा ही जाएगा, तो भारी उद्योग है इसलिए जल परिवहन का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो 240 किलोमीटर झारखंड से जो सी पोर्ट है या बंदरगाह है, तो ये आपका पहला टिस्को कंप्लीट हो चुका है। दूसरा है भारतीय लौह इस्पात कंपनी, भारतीय लौह इस्पात कंपनी, भारतीय लौह इस्पात कंपनी, इसका शॉर्ट नेम क्या है, इस्को। आपने सुना होगा टिस्को, इस्को, विस्को। तो अब हमारा सेकेंड चल रहा है इस्को। इस्को की स्थापना आपको बता दी गई है, इसमें तीन कंपनियां काम कर रही हैं। कितनी कंपनियां काम कर रही हैं? तीन। इस्को में तीन कंपनियां हैं भैया, तीन कंपनियां कौन कौन सी होंगी? एक, दो और तीन। यहां पर सीरीज कुछ इस तरीके से है, कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर। अब आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे ये कैसे है। जो टिस्को है मैप में तीन जगह पर तीन कंपनियां हैं, ये तीन जगह पर तीन कंपनियां हैं। पहली कंपनी है जहां से, हीरापुर से। कहां से बेटा? हीरापुर से। इसको हम एच लगा देते हैं। हीरापुर से कच्चा लोहा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कच्चा लोहा। फिर हीरापुर में कच्चा लोहा बन गया। दूसरे पोजीशन पर है कुल्टी, दूसरे नंबर पर है कुल्टी। कैसे शो कर रहा हूँ भैया मैं यहाँ से? पहला एच के और फिर तीसरी होगी बर्नपुर। तो पहला यहाँ से कच्चा लोहा, फिर यहाँ कच्चे लोहे से इस्पात बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? इस्पात। और इस्पात को चेंज किया जा रहा है वस्तुओं के अंदर। किस में चेंज किया जा रहा है? वस्तुओं के अंदर। यानी कि पहली कंपनी या पहली फैक्ट्री क्या बना रही है? खनिज को बाहर निकाला जा रहा है और उसको शुद्ध किया जा रहा है। दूसरे में उससे इस्पात बनाया जा रहा है। और तीसरी कंपनी यानी आगे भेज दिया जाता है और वहाँ से वस्तुएँ बनती। वस्तुएँ कौन कौन सी? जैसे रेल के स्लीपर हो गए, रेलवे के स्लीपर, और उनकी जो चद्दर होगी भारी भारी, या फिर एंगल वगैरह, एंगल जानते हो, बड़ी बड़ी लोहे की राडें वगैरह होती हैं उस तरीके से। तो ये पाइप वगैरह, ये सभी लोहे की वस्तुएं यहाँ से बनाई जा रही है। कहाँ से? इस्को से। तीन कंपनियाँ हैं इसमें, यानी कि तीन ब्रांचें इसके, इस्को की तीन ब्रांचें। और इन तीनों ब्रांचों को 1976 में सेल में शामिल कर लिया गया है। ये पहले आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ मैं। और अब बात करें हम जल की, तो जल इसको प्राप्त हो रहा है दामोदर नदी से। कौन सी नदी से? दामोदर नदी से। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सेकंड वाले की। कोयला कहाँ से मिल रहा है इसको? रानीगंज से। और इसके अलावा लोहा कहाँ से मिल रहा है इसको? सिंहभूमि से। सिंह भूमि से। तो कोयला, लोहा और जल तीनों की हम बात कर चुके हैं। अब तीसरी कंपनी है हमारी विस्को। विस्को कंपनी, इसका पूरा नाम है विश्वरैया। ये पहला वर्ड मैंने आपसे पहले ही कहा था, इस विश्वरैया से बन रहा है। कई जगह पर इस विश्वरैया को हम डब्लू से भी शो कर सकते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन या विस्को डब्लू से आ जाए तो हैरान होने वाली बात नहीं, इसी की बात की जा रही है। तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1923 में। आपने पढ़ा था ना 1923 में।
1923 में विश्व रैया की स्थापना की गई थी। अब देखो विश्व रैया थोड़ा नाम अजीब सा लग रहा है ना, साउथ के अकॉर्डिंग, साउथ इंडिया के अकॉर्डिंग। तो 1923 में इसकी स्थापना हुई और यहाँ से लोहा, वापस लिख देता हूँ मैं भूल गया, कोयला और जल, इसके अलावा और क्या है, डोलामाइट। डोलामाइट भी तो चाहिए था, आपने पढ़ा नहीं था कि डोलामाइट 0.1 था। और यहाँ जल विद्युत है, जल विद्युत का यूज किया जा रहा है। तो लोहा कहाँ से प्राप्त किया जा रहा है विश्व रैया के लिए, बाबा बुदन की पहाड़ियों से। कहाँ से किया जा रहा है, बाबा बुदन की पहाड़ियों से, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ साउथ में, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। दूसरा चूना, चूना भी है इसमें, लिख देता हूँ एक्स्ट्रा में। चूना प्राप्त किया जा रहा है मांडीगुड़ा से। अब देखो यार ये उल्टे सीधे नाम है, नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे, मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मांडी उठपटंग नाम है ना ये, इसलिए। डोलामाइट, डोलामाइट प्राप्त हो रहा है ये शंकरगुड़ा से। और जल विद्युत प्राप्त हो रही है इसको शिव समुद्रम से, शिव समुद्रम, नाम सुना होगा, जीके में भी आता है इसका नाम। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये पंखे वगैरह, फ्रिज वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह जो हम यूज करते हैं, बिजली का यूज करते हैं, उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या जल विद्युत कहते हैं। कारखाने की उत्पादन जो क्षमता थी, हम बात कर रहे हैं विश्व रैया की, इसकी कारखाने की उत्पादन क्षमता थी 100,000 टन, कितने थी 100,000 टन, और उसे बढ़ाकर अब 8% में कितना कर लिया गया है 1.3, यानी 100,000 टन से बढ़ाकर हमने 1.3 लाख टन इसकी क्षमता बढ़ा ली है, यानी कि ये उत्पादन बढ़ा है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है यहाँ पर, स्टार डाल के बता रहा हूँ आपको, एक लोहा होता है अलॉय प्रकार का, किस प्रकार का अलॉय, स्मूथ होता है, यह सॉफ्ट लोहा होता है जो बनाया जाता है विश्व रैया कंपनी में। अलॉय इस्पात कहाँ बनाया जाता है, अलॉय इस्पात कहाँ बनाया जाता है, वो बनाया जाता है विश्व रैया इस्पात कंपनी में। तो यह आपकी अब तक 3 कंपनियाँ हो गई, अब है चौथे नंबर की, चौथे नंबर की कंपनी आगे देखते हैं हम क्या है। बोर्ड पे लिखा हुआ है चौथे नंबर पे राउरकेला, कौन सा है राउरकेला। आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि जो इंडिया का मैप है इसमें ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पर लो इस्पात, अगर आपको राज्य याद हैं तो यहाँ पर उनको आइडेंटिफाई या ढूंढ सकते हो आप। तो राउरकेला में जो ब्रांच स्थापित की गई थी वो तो ही हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, और ये उड़ीसा में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था, उड़ीसा में स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से किया गया था हिंदुस्तान लिमिटेड स्टील लिमिटेड को, ये क्रूप्स और दिमाग दो कंपनियां हैं और ये रसिया की कंपनियां, रसिया यानी रूस की कंपनियां हैं, उनकी सहायता से हमने राउरकेला ब्रांच को स्थापित किया था। अब यहाँ वही चीज वापस, कोयला कहाँ से मिलता है, जरिया से। देखो लिस्ट वही है, केवल एरिया भी वही है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग क्षेत्र यूज करने हैं। कोयला हमें प्राप्त होता है जरिया झारखंड के क्षेत्रों से, लोहा प्राप्त होता है उड़ीसा के क्षेत्रों से, उड़ीसा में है, उड़ीसा के जो क्योंझोर क्षेत्र है, क्योंझोर क्षेत्र, क्योंझर क्षेत्र, क्षेत्र का नाम है क्योंझर, वहाँ से प्राप्त किया जाता है इसका। और मैग्नीज भी प्राप्त किया जाता है क्योंझोर से ही। इसके अलावा चूना पत्थर वीर मिश्रपुर से प्राप्त किया जाता है, जो चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है वो वीर मिश्रपुर से। इसके अलावा जल विद्युत प्राप्त किया जाता है, वो दो नदियां हैं यहाँ पर जल विद्युत जो प्राप्त की जाती है, एक तो है फोयल नदी, कौन सी है फोयल, और दूसरी है संख। फोयल और संख दो नदियों से जल विद्युत शक्ति प्राप्त की जाती है। तो ये था आपका राउरकेला। देखो शॉर्ट शॉर्ट में ही लिखना है हमें, ऐसा नहीं है कि 10-10 लाइनें लिखनी है एक एक में, ऐसे तो 1000 शब्द हो जाएंगे हमारे। 10-10 लाइन लिखेंगे तो 100 लाइनें हो जाएगी, 100 लाइन का कोई निबंधात्मक क्वेश्चन नहीं होता। तो नेक्स्ट आपका जो होगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिलाई। अभी बिलाई क्षेत्र कहाँ पर है,
भिलाई का कारखाना है रायपुर छत्तीसगढ़ में, रायपुर छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। तो रायपुर में स्थापित किया गया था इसका कारखाने को, और इसकी जो क्षमता थी 10 लाख टन थी, और उसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 10 लाख टन से बढ़ाकर इसकी क्षमता बढ़ा दी 52 लाख टन। कितनी कर दी? 52 लाख टन। देखो ये इनका उत्पादन बढ़ता जा रहा है। इसके कच्चा लोहा के जो क्षेत्र हैं, कच्चा लोहा कहाँ से प्राप्त किया जाता है इसके? भिलाई की बात कर रहे हैं हम। देखो क्षेत्र वही होंगे जो पहले यूज किए हैं, बस ये कि किस जगह पर कौन सा क्षेत्र यूज करना है वो थोड़ा सा ध्यान रखना। कोयला है कोखा से, कोखा क्षेत्र है इसमें, कोखा और छत्तीसगढ़। हाँ कोखा छत्तीसगढ़ का ही तो क्षेत्र है। इसके अलावा मैग्नीज बालाघाट से, और कोकिंग कोयला राजहरा से, और मैग्नीज बालाघाट से, डोलामाइट रायपुर से प्राप्त किया जा रहा है। उत्पादित इस्पात का अधिकांश भाग विशाखापट्टनम बंदरगाह से, जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है यहाँ से अन्य देशों को सप्लाई किया जाता है, और हिंदुस्तान शिपयार्ड में चला जाता है ये। हिंदुस्तान शिपयार्ड आपने पढ़ा होगा, जहाज रानी उद्योग स्टील इंडस्ट्री थी, उसे हिंदुस्तान शिपयार्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दुर्गापुर, दुर्गापुर का देख लो आप। दुर्गापुर जो ये स्थापित किया गया था, ये संयंत्र ये आसनसोल में किया गया था। आसनसोल वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता में। कोयला इसका रानीगंज झरिया बोकारो से प्राप्त किया जाता है। जल विद्युत जो प्राप्त की जाती है DUC से प्राप्त की जाती है, और लो अयस्क क्षेत्र नोवा मंडी गोवा खान से प्राप्त किया जाता है। चूना पत्थर क्योंझोर उड़ीसा वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, और मैग्नीज भी उड़ीसा वाले क्योंझोर क्षेत्र से ही प्राप्त किया जाता है। तो वन बाय वन ये सारे क्षेत्र हमें देखने होंगे। अब आप कहोगे सर आप ये पढ़ा रहे हो, हम याद कैसे रहेंगे, बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया डेटा। बेटा मिक्स कुछ नहीं हुआ, अभी मैं आपको PDF भेज दूंगा इसका, जो नोट्स हैं नोट्स मैंने आपके लिए बना लिए हैं। नोट्स में बिल्कुल ईजी तरीके से हैं, ईजी तरीके से एक एक का सबका अलग अलग है। जैसे मैंने तो एक ही जगह लिख दिया पूरा ये, तो जैसे ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट सबके अलग अलग लिख रखे हैं मैंने, वो आपको भेज देंगे बिल्कुल ईजी तरीके से। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए भेज दिया जाएगा। तो दुर्गापुर नेक्स्ट कौन सा है? दुर्गापुर के बारे में हम पढ़ेंगे। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल आसनसोल में है, ये पढ़ा चुका हूँ आपको। बोकारो नेक्स्ट हमारा होगा, सातवां नंबर का बोकारो। बोकारो इस्पात संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कंपनी की चौथी ब्रांच थी, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की चौथी ब्रांच थी ये, और ये कारखाना रूस की सहायता से स्थापित किया गया 1972 में, और इसकी उत्पादन क्षमता थी 17 लाख टन से बढ़ाकर 40 लाख टन कर लिया गया। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, ये बंदरगाह पर है, इसकी बात कर रहे हैं हम। विशाखापट्टनम बंदरगाह, यहीं पर विशाखापट्टनम स्टील इंडस्ट्री भी स्टेब्लिश की गई थी, और भारत का पहला बंदरगाह पर स्थापित बंदरगाह है ये। इस भौगोलिक सिचुएशन या स्थिति के आधार पर चार क्षेत्र हमने पढ़े थे ना, लौह इस्पात कोयला, और तीसरा था कोयला और लौह इस्पात, और चौथा था तटीय क्षेत्र। तो तटीय क्षेत्र वाला स्थापित लौह इस्पात उद्योग है। नेक्स्ट है विजयनगर। विजयनगर इस्पात संयंत्र भी स्थापित किया गया है, ये कर्नाटक जिले के होसपेट जिले में स्थापित किया गया है, और इस क्षेत्र में उच्च कोटि का लौह अयस्क चूना पत्थर डोलामाइट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और यहाँ से नरम लोहा बनाया जाता है। सेलम जो 10वें नंबर पर, सेलम तमिलनाडु में स्थित है, और जहाँ 1982 में इसे स्थापित किया गया था, इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया था। आगे एक चीज़ और, केंद्र सरकार के द्वारा जितना भी ये भारत में लौह इस्पात उद्योग, केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं थी वो कौन सी थी? योजना आयोग के बारे में तो आपने सुना होगा, तो योजना आयोग ने औद्योगिक नीतियां बनाई थी, और औद्योगिक नीतियों के बारे में मैं तीनों आपसे पहले के तीनों वीडियो में आपसे बात कर चुका हूँ। औद्योगिक नीतियाँ योजना आयोग के द्वारा बनाई गई हैं, और योजना आयोग के द्वारा बनाई गई
में सेल एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे बनाया गया था औद्योगिक नीति, इसमें जितने भी ये कारखाने इनकी सबकी क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रयास किए गए थे। सेलम की एक विशेषता और है और वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ये है, सेलम का ध्यान रखना कि यहाँ से ऐसे लोहे का निर्माण किया जाता है जिस पर जंग नहीं लगती है, जंग नहीं लगती है, कहाँ से? सेलम से। यह आपका रहेगा, यानी जंग रोधी लोहा कहाँ बनाया जाता है, जैसा लोहा जिस पर जंग नहीं लगती वो कहाँ बनाया जाता है? सेलम तमिलनाडु में। तो ये आपका भारत में लौह इस्पात उद्योगों का वितरण मैंने विस्तार पूर्वक आपको समझा दिया। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद में बुक में से ये 10 के 10 कारखानों को रीडिंग जरूर कर लेना, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। साथ ही नोट्स तो आपको भेज दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी आपको भेजे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर सबसे लास्ट में भेजूंगा मैं, शायद पहले से बोल रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आंसर सारे चैप्टरों के मिल जाएंगे आपको, एक PDF है आपको भेज दिया जाएंगे, जल्दी भेज दूंगा आपको मैं, जिससे कि आप याद कर लो। ठीक है, थैंक यू, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, कोरोना का टाइम चल रहा है भैया, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आपकी। थैंक यू।